Hello, Marcus. How are you? Hello, Malia. I'm fine. Thank you. Please join. Yeah. कहाँ जा रहे हो? देखो, देखो। कहाँ जा रहे हो? निकलो यहाँ से। देखो, मुझे सिर्फ साफ़ निकलो यहाँ से। कहाँ ना? मैं सिर्फ कहाँ ना निकल जाओ यहाँ से। कि मुझे जाओ यहाँ से। सर, सर, सर। क्या हो रहा है? सर, आज के इस खुशी के मौके पर यहाँ आकर आपको परेशान करने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। छोड़ दो। पर सर, मेरी माँ बहुत बीमार है, बहुत बीमार है। उसे मेरी सख्त जरूरत है। सर, सर, इतने साल ईमानदारी से आपकी सेवा करने के बावजूद मुझे छुट्टी नहीं दी गई। क्यों? सर, सर, मैं हाथ जोड़कर आपसे इल्तजा करता हूँ कि मुझे मेरी माँ की सेवा के लिए छुट्टी दे दी जाए। मैं आपके ये एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा सर। आई शैल नेवर फॉरगेट इट सर। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर। रोज कितने इंडियंस कीड़ों की तरह मार रहे हैं। आज तुम्हारी माँ मार रही है, कल किसी और की मारेगी। क्या सबको छुट्टी दूंगा? You useless Indian, get lost. Don't spoil my party. Mind your language, sir. आप मेरी माँ के बारे में बोल रहे हैं और माँ की पूजा करने वाले लोग हैं हम। Bloody fool, you are telling me to mind my language? तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। Bloody Indian, keep your eyes down. Keep your eyes down, I say. Keep your eyes down. आँख नीचे करो. You bloody Indian, keep your eyes down. Keep your eyes down, I say. You understand? Stop. Not tonight. Wedding anniversary है. इसके लिए छोड़ दिया. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः तुम्हें आजाद करूंगा माते। तुम्हारी कोख से जन्म लिया, ये ऋण मैं चुकाऊंगा माते। तुझे दुखी करने वाले इस निर्दयी सत्ता का विनाश करूंगा, तभी चैन की सांस लूंगा मैं माते। तुम्हें आजाद करूंगा मैं माते, तुम्हें आजाद करूंगा। ये मेरा इस्तीफा जानबूझकर मेरी मातृभाषा में लिखा है। सीखो मेरी मातृभाषा और पढ़ो। इस देश की गरीबी अगर मिटानी है तो यह देश आजाद होना चाहिए। आजादी और स्वराज के बिना देशवासियों के दुख खत्म नहीं होंगे, और आजादी भीख मांगकर मिलने वाली चीज नहीं। आसमान की तरफ नजर लगाए बैठा किसान तड़प रहा है। 1876 बारिश बूंदाबांदी थी, 1877 में बारिश के आसार ही नहीं है।
खेत वीरान हो गए हैं, गिद्धों की टोलियां घूम रही हैं, जहां खुद के बच्चे को देने के लिए खाना नहीं वहां गाय भैंसों की क्या बात है। लोग गांव छोड़कर जाने लगे हैं, बेघर लोगों के झुंड खाने की खोज में घूम रहे हैं। भूख अकेली नहीं आती कृष्णा जी, भूख अकेली नहीं आती, वो साथ लाती है महामारी। भूख से तड़प रहे लोग रस्ते में ही मर रहे हैं। और ऊपर से इन क्रिश्ती मिशनरियों ने नाक में दम कर रखा है, डबल रोटी के टुकड़े मुंह पर फेंक फेंक कर लोगों का धर्म भ्रष्ट करना शुरू किया है। और हम खुली आंखों से शंडों की तरह सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। मुंबई के तब के गवर्नर सर रिचर्ड टेंपल के दफ्तर में चर्चा हुई। अकाल और भूखमरी के परिणाम भयानक थे। सिर्फ सोलापुर जैसे छोटे से गांव में 100 से भी ज्यादा लोग मर गए थे। दाने दाने को मोहताज लोग दर बदर भटक रहे थे। टेंपल के लिए यह हालात नए नहीं थे, ऐसी स्थिति से निपटने का उसे अनुभव था। उसने तुरंत अकाल राहत का काम शुरू करने का फरमान जारी किया और अपने अनुभव के बलबूते हालात पर काबू पाने का निर्णय लिया। अकाल का काम शुरू किया गया है। ब्रिटिशों ने हर आदमी को आधा सेर अनाज देना कबूल किया है, सिर्फ आधा सेर अनाज। क्या होगा आधा सेर अनाज से? और उस पर ये ब्रिटिश बंदर चाबुक मार मार कर गधों की तरह काम करवा कर वो आधा सेर अनाज भी वसूल कर रहे हैं। लोग या तो भागने लगे हैं या मरने लगे हैं, चारों ओर सिर्फ मृत्यु ही तांडव कर रहा है। अफगानिस्तान में ब्रिटिशों की जंग शुरू हो गई, वहां का खर्चा यहां से निकाल दिया, यही वजह बताकर अकाल का काम बंद करवा दिया। रहा सारा सहारा भी खत्म हो गया। जहां नहरों वाली खेती थी वहां अगर पानी 3 महीने सिर्फ 3 महीने मुफ्त दिया गया होता तो इतनी प्राणहानि कभी न होती। इस पर तो कल ही लेख लिखना होगा। बस करो ये लेखन और भाषणबाजी। अब भाषणबाजी से स्वराज मिलेगा इस पर यकीन नहीं रहा मुझे। अब सशस्त्र विद्रोह करने का वक्त आया है। हाँ, पर ये होगा कैसे? हमारी ऐसी करतूत उन्हें पता चली तो हम बेमौत मारे जाएंगे, और वैसे भी इसके लिए जरूरी पैसा, मदद, हथियार, आदमी और। बस करो बेवकूफ, डरपोक हो तुम लोग। तुम जैसे सफेद पोश लोगों से मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है, किसी चीज की नहीं। केलेदार थे हम करनाला के, छत्रपति की सेवा में, स्वराज के रक्षण के लिए खून बहाया है पूर्वजों ने। वही खून बह रहा है मेरी रगों में। तुम्हारे अकेले के ही रगों में से खून बह रहा है। सोने जैसी नौकरी, घर बार, खेती बाड़ी, बाल बच्चे, इन सबको त्याग कर जा रहा है तू। ब्राह्मण धर्म छोड़ दिया और ऐसे बाल बढ़ा रहा है तू। और क्या रे, किससे टक्कर देने निकला है तू? हाँ, अंग्रेजों से, जिनके साम्राज्य पर से कभी सूर्य का अस्त भी नहीं होता, उनसे? उन्होंने सिर फुसलाया और हमारी एक पूरी पीढ़ी कंगन पहनकर नाचने लगी उनके सामने। लाचार और कर ही क्या सकते हैं। क्या क्या कहा तूने? लाचार? अरे बाप हूं मैं तेरा बाप। इसका अभिमान होता तो भाग्य होता हमारा। मैं वासुदेव बलवंत फड़के ये शपथ लेता हूं कि मेरे देश की स्वतंत्रता के लिए मैं सर्वसंग परित्याग करूंगा। मेरी मातृभूमि और मेरे प्राण, इन दोनों में चुनाव का वक्त आया तो मैं मेरी मातृभूमि ही चुनूंगा।